आ गए हैं अपने अगले पार्ट में जिसमें हम लोग बात करेंगे असर्शन और रीज़न की इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर से सबसे पहला जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन के ऊपर कि किस तरह के कॉन्सेप्ट्स इस कॉन्सेप्ट से असर्शन रीज़ंस जो है वो फ्रेम हो सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि असर्शन रीज़न किस तरह का न्यूट्रिशन वाले टॉपिक से बन सकता है so here we have the first questions learners read the following statement assertion and reason choose one of the correct alternatives given below अब हमें यहाँ पे इसको पढ़ना है पहले पहले देखते हैं assertion क्या है assertion जो है यहाँ पे leaves are the major photosynthetic organ of the plant ठीक है leaves बिल्कुल है देखो ट्रू फॉल्स का खेल होता है सारा इसमें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं assertion reason क्या है assertion और reason जो है वो ट्रू और फॉल्स है और कुछ नहीं है ठीक है जी

रीजन आर ट्रू इन दोनों में से एक आंसर जो है वो यहाँ पे बनना चाहिए हमारा ठीक है अब देखो असर एंड रीजन आर ट्रू बिल्कुल रीजन इज एक्सप्लेनेशन ऑफ देशन क्या ये बात ठीक है या फिर रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं, रीजन एक करेक्ट है इस एसर्शन की क्योंकि बिल्कुल उसी की वजह से ना जो आपका जो क्लोरोप्लास्ट है उसी की वजह से तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है राइट तो हम किसके साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर वन के साथ इसके अंदर जाएंगे सो यस ए इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे एसेशन uh, है कि अमीबा फॉलोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा क्या फॉलो कर रहा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि एक कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है अमीबा करता है बिल्कुल ठीक है इंजेशन करता है डाइजेशन करता है एब्जॉर्बन करता है एजेशन करता है बिल्कुल ठीक है ट्रू है इट इज यूनिसेल्युलर एंड ऑमनी कैसा है ये यूनिसेल्युलर है और एक ओमनी है ये जो ऑर्गेनिज्म है बिल्कुल ठीक है क्या इस बात का इससे कोई रिलेशन है सवाल पहला क्या इस बात का वो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है लेकिन वो यूनिसेल्युलर है तो इस बात से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक यूनिसेलर एक होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ह्यूमन भी शो करता है अदर अदर ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं लेकिन वो तो यूनिसेलुलर uh, नहीं वो तो मल्टी तो, सेलर है दोनों सही दोनों ट्रू है लेकिन रीजन जो है इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दोनों बात ठीक है हमने माना लेकिन ये इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो यहां हम किसके साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट देखते हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीजन चूज है बिलोशन देखते हैं कि है ना हमने कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके पास न्यूमरस विलाय होती है विच इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इंक्रीज दर्फेस एरिया फॉर प्रोसेस होती है यहां से क्या होता है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है

तो सी जो है इसका वो यहां पे करेक्ट आंसर जो है वो बन गया चलिए नेक्स्ट इन रीड द विस्टेटमेंट ओके एसे देखना है हरबी हैव हैोंगर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या के पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती बिल्कुल होती है होती है ना उनके पास लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है क्योंकि वो उसको सेल्यूलोर्स को डाइजेस्ट करने के लिए उनको ये चाहिए क्यों चाहिए लॉन्गर क्यों चाहिए उनको सेल्युलस को डाइजेस्ट करना होता है

रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ देशन जाऊंगा कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर मिनरल्स ठीक है न्यूट्रिंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू एन ऑर्गेनिजम यह भी ठीक है न्यूट्रं जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये बात भी हमारी एकदम ट्रू स्टेटमेंट है तो यानी कि दोनों ही जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर वन और स्टेटमेंट नंबर टू जो है वो दोनों ट्रू है लेकिन अगर मैं देखूं तो रॉ मटेरियल से इसका कोई मतलब नहीं है तो ये एक इसको लेके एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो मैं क्या कहूंगा कि बोध असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ठीक है true, तो ये इसमें वहां से ले लेंगे बिल्कुल ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके okay, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो एसे रीजन के न्यूट्रिशन से रिलेटेड थे अब हम बात करेंगे आगे किसकी टॉपिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड थैंक्स फॉर वाचिंग